हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह के आज अंतिम संस्कार है। आज से 7 दिन पहले इसराइल ने नसरल्लाह को मार गिराया था। इन 7 दिनों में बहुत कुछ पहली बार हुआ। ईरान ने इसराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका ने इसराइल को चेतावनी दी कि वो ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमला ना करे। और बीते 7 दिनों से इसराइल चुप है और यही चुप्पी सबको डरा रही है, क्योंकि जो देश पेजर से लेकर मोबाइल तक बम बनाकर उड़ा सकता है, जो देश हिजबुल्ला की पूरी लीडरशिप को खत्म कर सकता है, वो आखिर ईरान पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। आज हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह का अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन सुरक्षा वजहों से ये पूरा कार्यक्रम गोपनीय रखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नसरल्लाह के अंतिम संस्कार के दौरान हिजबुल्ला के सभी बड़े नेता जुटेंगे और इस पर इसराइल की भी नजर है। जिस तरीके से पिछले दिनों इसराइल ने नसरल्लाह को मार गिराया था, उससे कहीं ना कहीं हिजबुल्ला के नेता डरे हुए हैं। मतलब साफ, इसराइल हिजबुल्ला के एक एक नेता को चुन चुन कर मार रहा है। ऐसे में अगर नसरल्लाह के अंतिम संस्कार में सभी हिजबुल्ला नेता जमा होते हैं और इसको सार्वजनिक तौर पर दिखाया जाता है, तो इसराइल एक बार में हिजबुल्ला के सभी नेताओं को मार गिराएगा। शायद इसी डर से ये पूरा कार्यक्रम गोपनीय हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि नसरल्लाह के अंतिम संस्कार में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई के शामिल होने की उम्मीद है। खबर ये भी है कि खमेनेई आज जुमे की नमाज के बाद जनता को संबोधित कर सकते हैं।